बंगाल से इतना बड़ा रेल टक्का इंडिया में बोध ही रास्ते में हम लोग उतरे, लेकिन डिमांड एक ही था। डहर चेका, रेल टेका, जिगिड़ी जिटा, माहूर डोंड, बहु आंदोलन किए। जो लीडर 8-9 में नहीं घुसेंगे, हम लोग का डिसीजन में नहीं रहेगा, उन लोग को 5,000 डेलीगेट का मीटिंग होगा, जो कड़ी लाख आदमी जुटेगा। काफ़ी समय से एक आंदोलन झारखंड के अंदर चल रहा है, वो है कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की, और उसको लेकर लगातार मांगें उठ रही है, आवाज़ें बुलंद हो रही है। और उसी तरह से जो अन्य जनजाति के लोग हैं झारखंड के अंदर, उनका विरोध भी हो रहा है, विरोध के स्वर भी गूंज रहे हैं, आपस में काफ़ी बहसी भी हो रही है कि नहीं, इन्हें नहीं मिलना चाहिए, जबकि आंदोलन लगातार तेज हो रहा है, इसमें तेजी पकड़ रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है। अब हमारे साथ बैठे हैं कुड़मी समाज के, आदिवासी कुड़मी समाज के अगुआ कहें और तेज तर्रार नेता, बंगाल से आते हैं और परिचय के मोहताज नहीं होंगे आप सभी, नाम है इनका अजित महतो और साथी सभी हैं। आज हम बात करेंगे इनसे कि आंदोलन तो चल रहा है, उनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो सकती है। आज हम इनसे बात करेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। तो अभी क्या चल रहा है फिलहाल की अगर हम बात करें, हम आंदोलन अभी कहाँ तक पहुँचा है और जो मांग है वो तो सबको पता है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की है ना, तो उसको लेकर क्या क्या अभी चल रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है, हम लोग पहले से, हम लोग का से पहले मूवमेंट चलते थे। बसंत बसरियार थे पहले आदिवासी कुड़मी समाज के हेड, उसके बाद हमारा केशव टेडवार, सतदल महतो, प्रोफेसर शशिभूषण महतो, इन लोग चलाते थे, लेकिन उन लोग का कोई मास मूवमेंट नहीं थे। मास मूवमेंट कब हुआ? जब आदिवासी कुड़मी समाज को फिर हम लोग का बागडोर में आई, हम लोग हाथ में जब लाइए, उस टाइम से हम लोग रास्ते में हम लोग उतरे। पहले हम लोग डहर छेका किए थे, डहर छेका मतलब जो रास्ते में रास्ते ब्लॉकेट किए, उसके बाद रेल टेका हुआ। बंगाल से इतना बड़ा रेल टेका इंडिया में बोध ही इतना कभी नहीं हुआ। रेल टेका हुआ, उसके बाद फिर रेल टेका हुआ, तीन बार रेल टेका हुआ। और वो जो पिछले हम लोग का बंगाल में नहीं हुआ था, लेकिन गुमो, मुरी, मनोहरपुर, निमडी स्टेशन में रेल टेका हुआ था, लेकिन डिमांड एक ही था कैसे कुर्मी लोग एसटी बनेगा, कैसे कुर्माली भाषा को संविधान में लाना जाए, कैसे हम लोग को सरना धर्म का कोड मिलेगा। इसके चलते हम मूवमेंट चल रहा है, लेकिन बंगाल सरकार इतना हम लोग को जो प्रोमिस किए थे, जब रेल टेका हम लोग उद्रो किए, सरकार के बात होने के बाद वो लोग बोले थे जो आप 28 तारीख जो 20 सितंबर हम लोग का रेल टेका था, तो 20 तारीख से 5 दिन 25 तारीख हम लोग उद्रो किए, और वर्चुअल मीटिंग हुआ था जो BCW ऑफिस, BCW आदिवासी ट्राइबल ऑफिस जो है, हेड है बंगाल में BCW ऑफिस, उनका चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, संजय कुमार बंसल, गवर्नमेंट से बात होने के बाद उन लोग बोले 28 तारीख आप आइए, हम लोग का सब व्यवस्था होगा। 28 तारीख को मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद बात दी, बात किए वो लोग, जो ये 1.5 महीना के अंदर आपको जितना
एविडेंस सब दीजिए, हम लोग जो कमेंट जस्टिफिकेशन के बारे में सब कुछ भेजेंगे। कमेंट जस्टिफिकेशन के मतलब है, जब बंगाल गवर्नमेंट हमारा जो रेजुलेशन भेजे थे, कैबिनेट रेजुलेशन 18/5/2017 में बंगाल गवर्नमेंट कैबिनेट का रेजुलेशन आर जो सीआरआई दफ्तर है आपका, झारखंड में बोलते हैं टीआरआई, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हमारा बंगाल में होता है कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सीआरआई का जो स्टडी रिपोर्ट लेके फेवरेबल रिपोर्ट कैबिनेट रेजोल्यूशन भेजा था 18/5/2017 में, लेकिन 29 सितंबर आरजीआई जो ट्राइबल अफेयर्स का दो डिपार्टमेंट है, एक है आरजीआई और एक है नेशनल कमीशन फॉर सिविल ट्राइब, वो दो डिपार्टमेंट है। तो आरजीआई बोले थे जो आप लोग का जो प्रस्ताव गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो प्रस्ताव भेजे हैं कुर्मी को स्टिक करने के लिए, हम लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन फर्दर कमेंट जस्टिफिकेशन इस बारे में जो है तो भेजिए। 29 सितंबर 2017 में ये चिट्ठी भेजा स्टेट गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को। उसका बाद 29 सितंबर ये लेटर भेजने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के भेजने के बाद लेटर कुछ नहीं भेजा। हम लोग डहर चेका रेल टेका जिगिड़िजिटा माहूर डोंड़ बहु आंदोलन किए, सवर्णखा दामोदर सिलाई कसाई में इतना पानी बह गया, लेकिन कुछ नहीं भेजा हम लोग। उसके बाद रेल टेका हुआ, इस बार बोले जे सब कुछ करेंगे, लेकिन किए नहीं। ये भी हम लोग तय किए सेंट्रल कमेटी आदिवासी कुर्मी समाज जे इस बार क्या करेंगे। तो हम लोग का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के ब्रिटिश पीरियड में, तो वहाँ का एक टाड़ है और ग्राउंड है, उसको बोलते हैं एरोड्राम जो, तो हुलहुली टाड़, तो हुलहुली टाड़ में जो एयरपोर्ट है और एरोड्राम, वहाँ पर मीटिंग हमको बुला रहे हैं अगला 8, 9, 10, इसमें हम लोग डिसीजन करेंगे क्या करना है। 8, 9, 10 मार्च में 2024, इसमें बीजेपी टीएमसी कांग्रेस वाम फ्रंट जितना सारे पार्टी है, कुर्मी लोग जिन जिन पार्टी में है सब लोग को बुला रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग आए हैं जमशेदपुर, हम लोग हैं तो जमशेदपुर में हम लोग जितना पार्टी के लीडर है सब लोग इनवाइट करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई जाना होगा वहीं पर। हम लोग रांची में भी सुदेश महतो को बोले हैं, हमारा शांतिराम महतो को बोले हैं बंगाल में, हमारा ज्योतिर्मय सिंह महतो है बीजेपी का, उन लोग को भी बोले हैं, सब लोग को बुला रहे हैं। जितना आपको बोलना है कैसे किया जाए, आप जब कुर्मी हैं इस दावी आपको है कि नहीं बोलिए, इस दावी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं बोलिए, आपका पार्टी में क्या सोच रहा है इस दावी के लिए आप सब बोलिए, और नहीं तो हम लोग जो आंदोलन जो मूवमेंट करें ये मूवमेंट के बारे में आपका तय क्या है, आपका पार्टी क्या सोच रहा है, और सब कुछ डिसीजन होगा। और डिसीजन के बाद हम लोग 10 तारीख को जो ओपन मीटिंग होगा, वो मीटिंग का नाम है, हमारा जो टोटल मीटिंग का नाम दिए हैं ऐतिहासिक कुर्माली जियाओ महाजुड़वाई, महाजुड़वाई मतलब विशाल समावेश। तब वो जो महाजुड़वाई हो रहा है
10 तारीख को हम लोग वो जो 8-9 में जो तय होगा 10 तारीख को हम लोग ओपन मीटिंग भी बोलेंगे। और ये भी बोले हैं हम लोग जो लीडर 8-9 में नहीं घुसेंगे, हम लोग का डिसीजन में नहीं रहेगा, उन लोग को बोलने देंगे हम लोग, उनका बहिष्कार होगा ना, बहिष्कार नहीं करेंगे, बोलने नहीं देंगे। कहे आप क्या बोलेंगे बोलिए, 8-9 जब वहीं पर डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग के समय आप नहीं रहेंगे, 10 तारीख को आप क्या बोल आप क्या बोलेंगे, तो हम लोग का बस बोलना होगा जो भाई हम लोग ऐसा ऐसा डिसीजन लिए, डिसीजन के बाहर कोई नहीं बोल सकेंगे जी, हम लोग यही सच्चे हैं। और 8-9-10 आपको चैनल के माध्यम में हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, 5,000 डेलीगेट का मीटिंग होगा, 5,000 डेलीगेट मीटिंग होगा, शुरू होगा 8 तारीख को सुबह 9 बजे। जगह का नाम भी एक बार बता दीजिए। जगह का नाम है हुलहुली टायर छड़रा भांगड़ा एरोड्राम, छड़रा भांगड़ा एरोड्राम हुलहुली टायर, वहाँ पर मीटिंग होगा, 2 दिन रहेगा, 8 और 9 हमारा चिंतन मंथन होगा, चिंतन मंथन होगा, डेलीगेट हम लोग रहेंगे। और डेलीगेट में सब लोग को हम रिक्वेस्ट किए हैं, इनवाइट किए हैं, डायरेक्ट बोले हैं आने के लिए, और सब तय होगा। तय होने के बाद 10 तारीख ओपन मीटिंग में हम लोग 20 लाख लगभग हम एक्सपेक्ट किए हैं, जो 20 लाख आदमी जुटेगा, टोटल झारखंड, टोटल उड़ीसा, टोटल वेस्ट बंगाल, आसाम भी डेलीगेट आएगा, बांग्लादेश में बांग्लादेश से आएगा हम लोग का डेलीगेट, और हम लोग निर्णय लेंगे। यही निर्णय हो सबसे सबसे ज़्यादा और सबसे आदमी भी जुटेगा एवं स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, अगला दिन क्या करेंगे हम लोग, यही चूड़ान्त तो फैसला होगा 8-9-10। डिमांड तो 3 है, कुर्मी लोग के एसटी कैसे किया जाए, कुर्माली भाषा को कैसे अष्टप्त अपसर्वयुक्त डालना है, और कैसे हम लोग को सरना धर्म को कोड मिलेगा,